दोस्तों नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से आप अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। आप लोगों को एक विशेष जानकारी दे दूं कि हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर, जो कि आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया हुआ है, उस ऐप पर फ्री लाइव सेशन शुरू किया है जो जल्द एक या दो दिन में ही शुरू हो जाएगा। तो उस फ्री लाइव सेशन में आप आकर के और ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जो भी समस्याएं हैं डॉग्स रिलेटेड वो वहां पर लिख सकते हैं और हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान वहां पर करेंगे। मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आप उसमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। रामावत एनिमल ऐप। देखिए, बात मैं इस वीडियो में सैल्मन ऑयल की करने जा रहा हूँ। उसके फीडिंग हम हमारे डॉग को करवाएं या ना करवाएं, करवाएं तो कब करवाएं, कब नहीं करवाएं, कितना करवाना है, क्या क्या फ़ायदे हैं, सारी की सारी बातें इस वीडियो में आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, सैल्मन ऑयल अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो मेनली हम इसमें दो ही कंटेंट पाते हैं, जिनमें से नंबर वन है ओमेगा 3, नंबर टू है ओमेगा 6। ये फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी डॉग की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो इसीलिए हम सैल्मन ऑयल दे सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे करेगा ये दोनों जो फैटी एसिड्स हैं, ये क्या फ़ायदे करेंगे, सैल्मन ऑयल क्या फ़ायदा करेगा? नंबर वन, अगर सैल्मन ऑयल किसी डॉग को दिया जाता है तो भाई उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। यानी छोटी मोटी जो बीमारियां होती है ना, जैसे जो ही सर्दी जुकाम लग जाती है, मौसम परिवर्तित होते ही बीमार हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस आपके डॉग के साथ नहीं होगी अगर आप सैल्मन ऑयल दे रहे हैं तो। यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा सेकंड जो इसका बड़ा फायदा है वो है हार्ट रिलेटेड। हार्ट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये सैल्मन ऑयल बहुत ही शानदार रहता है। और तीसरा और प्रमुख फायदा जो हम सैल्मन ऑयल का लेते हैं वो है फ्रेंड, हेल्दी स्किन। जी हाँ, त्वचा संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो हेयर फॉल है, चाहे इचिंग है, चाहे एलर्जीज है, स्किन डिजीजेज है, कुछ भी हो, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, स्कोट जो है वो साइनिंग नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर स्किन रिलेटेड हो रही है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सैल्मन ऑयल को और इतना शानदार रिजल्ट सैल्मन ऑयल का मिलेगा आप बिलीव नहीं कर सकते। स्किन डिजीज में ये बहुत ही शानदार रहता है, कभी भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर कई भाई जो है वो एज ए ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जब भी तकलीफ हुई उसके बाद यूज़ करते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 किलो पर हमें एक टीस्पून देना पड़ता है। अब आपके डॉग का वजन कितना है वो आप देख लीजिएगा, 10 किलो के ऊपर एक टीस्पून, ठीक है, समझ गए आप, वो आपको देना है। लेकिन एक बात यार याद रखिएगा, जो छोटे पप्पी हैं, यानी कि जो 12 सप्ताह से कम है, यानी कि 2 महीने से जो कम है, उनको आप मत दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी आप आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को किडनी डिजीजेस कुछ ऐसी होती हैं, लीवर डिजीजेस कुछ ऐसी होती है जहाँ पर इसे अवॉइड किया जाता है, वो पशु चिकित्सक निर्धारित करते हैं, तो ये विशेष ध्यान दें। इसके अलावा भाई आप कभी भी इसको डायरेक्ट खिलाना शुरू मत कीजिए। हालांकि देना तो जो भी आप फूड दे रहे हैं उसी में मिला करके देना है, लेकिन डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक टीस्पून सीधा ही आपने देना शुरू कर दिया, नहीं। जब भी आप सैल्मन ऑयल अपने डॉग को देना शुरू करते हैं उस समय आपको शुरुआत थोड़े से करनी है, बस यही ध्यान रखना कि उसका जो स्टोमक है उसे एक्सेप्ट करने लग जाए, उसके बाद उसकी मात्रा को बढ़ाना। बाकी शुरुआत में आप धीरे धीरे, यानी कि आधा टीस्पून दे दो भाई, डोज आधी रख लो, 1/4 रख लो, धीरे धीरे डोज को इंक्रीज करके 1 टीस्पून 10 kg बॉडी वेट पर ले जाओ तो बहुत ही शानदार रहेगा। आप सैल्मन ऑयल अपने डॉग को जरूर दीजिए भाई, इसके नुकसान कम है, फायदे ज़्यादा है। तो नुकसान अलग अलग बीमारियों में होते हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसमें ये नुकसान कर सकता है, बाकी तो सभी जगह बेस्ट।